हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। एडवोकेट सौम्या मेंदीरता दिस साइड, आई वेलकम यू बैक टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जो ये प्रोटेस्ट चल रहा है मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, जो ट्रक ड्राइवर्स बस ड्राइवर्स इन्होंने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। महाराष्ट्र में तो पुलिस के ऊपर अटैक किया गया, पत्थर फेंके गए, पत्थरबाजी हुई, इतना ज़्यादा प्रोटेस्ट दिखाई दे रहा है आजकल हमें। और 40 ट्रक ड्राइवर्स को तो पुलिस वालों ने अरेस्ट भी कर लिया है और बोला गया है कि आपको प्रोटेस्ट करना है आप करिए, लेकिन आप किसी को चोट ना पहुंचाए, आप हिंसा ना करें, पीसफुल प्रोटेस्ट करें जो उनका राइट है। लेकिन पत्थरबाजी, मारना पुलिस वालों को, ये बहुत गलत है जो वो कर रहे हैं। पर ये कर क्यों रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बात करी थी क्रिमिनल लॉज थे IPC, CRPC, एविडेंस एक्ट, इन तीन क्रिमिनल लॉज को चेंज किया गया है। बट ना लॉयर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ना जजेस, ना लॉ स्टूडेंट, पर ये ट्रक ड्राइवर क्यों कर रहे हैं? बात यहाँ आती है, ठीक बिहाइंड द सीन है, उसको हम देखते हैं और इस वीडियो में नज़र डालते हैं। तो ये हो रहा है, ये हिट एंड रन केसेस से रिलेटेड हो रहा है, जो मार के लोग भाग जाते थे उनके ऊपर। सो अभी तक हमने बात करी थी जो तीन क्रिमिनल लॉज आए हैं, तब हमें राज्यसभा में पास हो चुके हैं और उन्हें प्रेसिडेंट की असेंट भी मिल चुकी है और ये किसी भी नोटिफिकेशन आ सकती है और ये हमारे भारत पे लागू हो जाएंगे ये तीनों कानून। लेकिन इसमें बहुत सारी क्लॉजेज ऐड हुए हैं, डिलीट हुए हैं, सब्स्टिट्यूट हुए हैं, अमेंडमेंट्स आई हैं। क्रिमिनल कोड ने रिप्लेस किया है भारतीय न्याय संहिता को, क्लॉज है हिट एंड रन केसेस को लेके, कि सेक्शन 304A ऑफ इंडियन पिनल कोड ये बोलता था कॉजिंग डेथ बाय नेग्लिजेंस, अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है नेग्लिजेंस की वजह से, जिसमें रैशली या फिर नेग्लिजेंटली कोई एक्ट हुआ है, सपोज एक ट्रक ड्राइवर है या फिर कोई बस ड्राइवर है, वो चला रहा है ट्रक और उसके आगे कोई पर्सन आ जाता है और रैशली चलाते वक्त उसका एक्सीडेंट हो जाता है उस पर्सन का और उस पर्सन की डेथ हो जाती है। सो इस केस में 2 साल की सजा प्लस फाइन का प्रावधान था और ये एक बेलेबल ऑफेंस था, यानी इसमें बेल मिल सकती है। लेकिन अब जो नया एक्ट आया है BNS भारतीय न्याय संहिता, इसमें सेक्शन 104 लाया गया, जिसमें बोला गया कि अगर पर्सन ने रैशली या नेग्लिजेंटली किसी को हिट किया, कोई एक्ट किया जिसकी वजह से सामने वाले पर्सन की डेथ हो जाती है, तो इस केस में उसको 10 साल तक की जेल हो सकती है। सेक्शन 104 क्लॉज 1 ऑफ BNS, मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा रही हूँ, ताकि कोई ड्राइवर है उसने नेग्लिजेंटली एक एक्ट किया, वो रैशली चला रहा था गाड़ी, ट्रक चला रहा था या फिर, तो उसने किसी को हिट कर दिया और हिट करके वो भाग जाता है, वहाँ उस पर्सन की डेथ हो जाती है और ड्राइवर जाता है भाग, तो इस केस में उसे 10 साल तक की सज़ा मिलेगी प्लस फाइन देना होगा उस ड्राइवर को। 104 क्लॉज 2 क्या कहता है कि अगर कोई ड्राइवर है उसने हिट किया और वो वहीं खड़ा रहता है ड्राइवर और उस बंदे की डेथ हो जाती है ऑन द स्पॉट, लेकिन वो फिर भी उसे हॉस्पिटल लेके जाता है, वो बताता है, तो इस केस में उसको 7 साल तक की सज़ा मिलेगी प्लस फाइन। क्लियर टिल नाउ? पहले वाले कोड में क्या था कि उसको 2 साल की सज़ा मिलेगी और फाइन, वो जो मिनिमल फाइन होता था जो कोर्ट बोल देती थी 2 लाख 3 लाख जितना कोर्ट को लगता था। तो इसमें इस पुराने लॉ में और ये लॉ में ये कंपैरिजन है जिसकी वजह से इतना ज़्यादा क्योस हो रहा है। सेक्शन 337, सेक्शन 338 ऑफ IPC जिसे रिप्लेस किया गया है सेक्शन 125A ऑफ BNS से, भारतीय न्याय संहिता से। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्टिकुलरली ट्रक ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर के लिए ही ये लॉ है, ड्राइवर कोई भी हो सकता है। अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं और आपकी रैशली आपने गाड़ी ड्राइव करी है, रैशली और नेग्लिजेंटली, अगली पहली बात तो ये ट्रक ड्राइवर या फिर बस ड्राइवर के लिए नहीं है, ऐसा कहीं पूरे एक्ट में मेंशन नहीं है। अगर आप ड्राइवर है, अगर आप भी जो वीडियो सुन रहे हो, अगर आप भी ये एक्ट करते हैं तो आपके ऊपर भी ये एक्ट लाइबल होगा, ये सेक्शन जनरल आप लाइबल होंगे। तो ये एक्ट हमारे भले के लिए ही बनाया है क्योंकि एक्सीडेंट के केसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहे थे, उन्होंने पॉजिटिव देखा और केसेस बढ़ रहे हैं और जो ड्राइवर हैं वो बहुत ज़्यादा रैशली और नेग्लिजेंटली चलाते हैं। और जेन्युइनली हम देखते हैं कि कितने सारे एक्सीडेंट हैं, आप न्यूज़पेपर में खोल के देखिए तो आप देखेंगे कि बहुत सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं मोस्टली व्हीकल को रैशली और नेग्लिजेंटली चलाने की वजह से ही हो रहे हैं। सो गवर्नमेंट ने तो पॉजिटिव साइड देखी और पॉजिटिवली ये एक्ट बनाया, लेकिन यहाँ पे ट्रक ड्राइवर और बस ड्राइवर प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं हम इसकी बात भी करेंगे। AIMTC ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने इसे अपोज किया है, बोला है कि गवर्नमेंट को एक बार इस पर दोबारा नजर डालनी चाहिए क्योंकि ये सही नहीं है। ट्रक ड्राइवर अपोज क्यों कर रहे हैं, क्यों इतना उन्होंने जाम लगा रखा है, वीडियो वायरल हो रही है कि चक्का जाम लगा देंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन से प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ किसी एक स्टेट में चल रहे हैं, मध्य प्रदेश,
हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हर जगह हम देख रहे हैं कि ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। बट ट्रक ड्राइवर का इसमें क्या कहना है, मोस्टली केसेस ऐसे आते हैं हमारे पास जिसमें सामने वाले की भी गलती होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राइवर की गलती होती है, सामने ऑपोजिट पर्सन की भी गलती होती है, जिसमें भुगतता कौन है, ट्रक ड्राइवर ही भुगतता है। दूसरा उनका ये कहना है कि 10 साल की पनिशमेंट है। 10 साल की कोई पनिशमेंट नहीं होती इस केस में, क्योंकि छोटे और मीडियम वर्ग के घरों से आते हैं और वो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए ये ट्रक ड्राइवर बनते हैं, ट्रक ड्राइव करते हैं। और अगर उनकी 10,000 या 20,000 सैलरी है, इससे अच्छा वो कोई और काम कर लेंगे ट्रक चलाने से अच्छा, क्योंकि इसमें उन्हें रिस्क बहुत ज़्यादा है। 10 साल की सज़ा प्लस सुनने में आएगी 10 लाख तक का फाइन उन पर इम्पोज किया जा सकता है। तो कहते हैं अगर हम हमारे पास 10 लाख तक का प्रोविजन होता, हमारे पास बंदोबस्त होता 10 लाख का, तो हम ट्रक ड्राइवरी क्यों करते, हम कोई ट्रक ले खरीद ही लेते अपना। और उन्होंने बोला कि अगर कभी हिट हो जाता है किसी पर्सन को और वो ट्रक ड्राइवर बचाना भी चाहता है तो वो नहीं बचा पाता अपने कारणवश, क्योंकि जो उसके आसपास के लोग होते हैं या फिर उस पर्सन के गार्जियंस होते हैं, नेबर्स होते हैं, वो उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं ट्रक ड्राइवर को, भले ही उसकी गलती हो या ना हो। ट्रक ड्राइवर को बहुत बुरी तरीके से मारा जाता है जिसमें वो भागने पे मजबूर हो जाता है। तो पॉजिटिव साइड लिया ये गवर्नमेंट, तो सिटीजन्स के साइड को देख के ये एक्ट लाई है। बट ऑन द अदर हैंड लोगों को दिक्कत हो रही है। अभी अब आगे ये देखना पड़ेगा कि गवर्नमेंट इसमें क्या स्टेप लेती है, क्योंकि AIMTC ने लेटर भी भेजा है गवर्नमेंट को और एक मीटिंग भी फिक्स करी है। मीटिंग में क्या बात होती है और गवर्नमेंट इस पर क्या स्टेप लेती है ये देखना पड़ेगा। इसमें मेरा यही कहना है कि जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको बहुत पीसफुली प्रोटेस्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ रही हैं। पेट्रोल भी नहीं मिल पा रहा लोगों को, दवाइयाँ महंगी होने की आकांक्षा है, वेजिटेबल्स महंगी हो सकती हैं, बहुत सारा इम्पैक्ट आएगा जो नॉर्मल सिटीजन्स के ऊपर आएगा। प्रोटेस्ट पीसफुली भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट को पीसफुली भी बोला जा सकता है अगर उन्हें इस चीज़ में दिक्कत है तो। To know more such legal content, do subscribe to my YouTube channel. Thank you.